अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर मुझे बोलने का मौका दिया। केरल में लगातार एक विचारधारा के लोगों पर अटैक हो रहा है और वहाँ की सरकार सीपीआईएम पार्टी द्वारा आरएसएस और बीजेपी वर्कर्स पर जो लगातार अटैक हो रहा है। अभी 4 मार्च को 4 आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर में एक कार्यकर्ता विनीश, एक कार्यकर्ता सुनील, एक कार्यकर्ता बाबू और एक कार्यकर्ता सुधीर, इनके ऊपर में, इनके कार्यालय के ऊपर में बम फेंका गया। इनके हाथ पैर तलवार से, डंडों से तोड़ा गया। लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही और एक घटना, 53 साल के मजदूर जो मुख्यमंत्री की विधानसभा में रहते हैं उनके घर पर हमला हुआ। एक परिवार पर लगातार अटैक हो रहे, एक विचारधारा के लोगों पर। अगर लड़ाई करनी है मुख्यमंत्री को, सीपीआईएम को, तो उनको विचारधारा से लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हम शांति को कोई कमजोरी नहीं समझना चाहिए, सीपीआईएम द्वारा लगातार अटैक, ये कोई वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर एक सीधा कलंक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी जनवरी को सरकार को नोटिस दिया कि लगातार जो अटैक हो रहे हैं ये ठीक नहीं है, एक विचारधारा के ऊपर अटैक हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि वो इसमें इंटरवीन करे और वहां की सरकार को बर्खास्त करे।